हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सोसाइटी के अंदर क्राइम और डिवियंस होता रहता है। लोग रूल्स को वॉयलेट करते हैं और डिफरेंट किस्म के क्रिमिनल बिहेवियर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। मिसाल के तौर पर जब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो के अंदर, अगर आपने विजिट नहीं की तो देख लीजिएगा। सो दैट वॉज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स एज वेल। और उसमें हम ये देख रहे थे, अप्लाई करते हुए क्राइम पे भी हमने ये देखा था कि अगर एक इंसान क्राइम करता है तो उसके पीछे इंडिविजुअल फैक्टर्स के बजाय हम सोशल फैक्टर्स को लिंक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से डैट इंडिविजुअल वॉज कंपेल्ड टू कमिट क्राइम। सो सिमिलरली क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी क्राइम और डिवियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके रीजंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थ्योरी है दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट किंग मर्टन एंड इट इज़ नेम्ड एज स्ट्रेन थ्योरी। सो इस वीडियो के अंदर इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंडिविजुअल आप सामने देख रहे हैं, ही इज़ एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी एज वेल एज ही वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज द थ्योरी दैट ही प्रेजेंटेड इन 1938, नेमली सोशल स्ट्रेन थ्योरी। दिस थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन्स क्राइम के एक इंडिविजुअल क्राइम में क्यों इन्वॉल्व होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्टन का कहना है दैट लोग डिवियंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। डिवियंट बिहेवियर क्या है? जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करते हैं, जब आप खास किस्म के जो रूल्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर्स हैं, जब आप उनको तोड़ते हैं, वॉयलेट करते हैं, तो इट मीन्स दैट इज़ डिवियंट बिहेवियर और आप डिवियंस की तरफ चले गए हैं, क्राइम की तरफ चले गए हैं। सो मर्टन का कहना है कि लोग डिवियंट बिहेवियर में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जब वो किसी चीज़ को सही तरीके से, सही वे में अचीव नहीं कर पाते तो वो नेगेटिव वेज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगी फिस्कल क्राइसिस की। फिस्कल क्राइसिस ये होता है कि जब हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। मींस हुकूमत के पास भी पैसा टैक्स के थ्रू आता है, हम जानते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ तो जिस तरह से बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो कि सैलरी के ऊपर बेस्ड है, जिनका बिज़नेस नहीं है बल्कि सैलरीज आती हैं, तो महीने के आखिर में अक्सर वो घर खाली पड़े हुए होते हैं। इसी तरह से फिस्कल क्राइसिस भी होता है कि आवाम के पास पैसा कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता, आपको अच्छे मयारी तालीमी इदारे नहीं फराहम कर पाता। और क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, ज़रूरी हैं, ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, अगर मयारी तालीमी इदारे नहीं हैं तो हर इंसान चाहेगा कि इन चीज़ों को अचीव कर सके ताकि उसकी ज़िंदगी स्मूथ हो, तो फिर वो कोई शॉर्टकट्स अपनाएगा, करप्शन करेगा या कोई और नेगेटिव वेज की तरफ जाएगा ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। सो यही चीज़ है जो मर्टन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दैट एक इंडिविजुअल जब क्राइम करता है, जब डिवियंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है तो इसका यही रीज़न है क्योंकि वो सही तरीके से जो लेजिटिमेट मीन्स हैं उनके थ्रू एक चीज़ को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता तो फिर वो डिवियंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। और डिवियंस बेसिकली इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेन एंड इंडिविजुअल फील। जब एक इंडिविजुअल लेजिटिमेटली कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाता, नहीं अचीव कर पाता, तो फिर उस पर एक प्रेशर आ जाता है, एक स्ट्रेन आ जाता है और यही वो स्ट्रेन है जो उसको मजबूर करता है डिवियंस की तरफ जाने के लिए। दिस इज़ व्हाट यू कॉल स्ट्रेन थ्योरी। सो इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो स्ट्रेन पर है। और स्ट्रेन क्यों डिवेलप होता है? क्योंकि जब इंडिविजुअल के अंदर इनएबिलिटी आ जाती है, जब वो इतना एबल नहीं होता कि वो किसी चीज़ को, कामयाबी को, पैसे को या अपने किसी भी गोल को सही तरीके से अचीव कर सके, तो फिर उस पर जो प्रेशर आता है वो प्रेशर उसको मजबूर करता है। तो उस जो प्रेशर है, वो जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन के ऊपर इस थ्योरी का मेन फोकस है। और प्रेशर जो डेवलप होता है वो सोशल फैक्टर्स की वजह से डेवलप होता है। मिसाल के तौर पर भाई किसी बंदे की इनकम कम है, वो नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहा, उसके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये सारे फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि मिला जुला कर एक इंडिविजुअल के ऊपर ये स्ट्रेन इम्पोज कर देते हैं, एक प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर कि भाई मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, और वही स्ट्रेन फिर उस इंसान को मजबूर करता है कि वो क्राइम्स को कमिट करे। सो दिस थ्योरी इज़ ऑल अबाउट दैट क्राइम इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेन एंड दैट स्ट्रेन इज़ दैट प्रेशर इज़ डिवेलप्ड बाई डिफरेंट सोशल फैक्टर्स।
देर आर नॉट इंडिविजुअल फैक्टर्स. लेकिन सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी जो है ये सोसाइटल लेवल के ऊपर बात करती है. ये साइकोलॉजी की तरह इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करती कि अगर एक इंडिविजुअल किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं, बल्कि ये सोशल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती हैं कि सोसाइटी में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल पे इतना प्रेशर आ जाता है, इतना स्ट्रेन आ जाता है कि वो क्राइम कमिट करने पर मजबूर हो जाता है. सो इस थ्योरी की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपल सी स्टेटमेंट है डेट सोसाइटी पुट्स प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू अचीव सोशली अप्रूव्ड गोल्स दो दे लैक दी मीन्स. आपका जो माशरा है जिसमें आप रहते हैं वो आप पे प्रेशर डाल रहा है, इंडिविजुअल से प्रेशर डाल रहा है कि भाई आपको अपने गोल्स को अचीव करना है और तरीके से सोशली अप्रूव तरीके से आपने अपने गोल्स को अचीव करना है. सोसाइटी ही आपको बता रही है कि सोशली अप्रूव गोल्स कौन कौन से हैं और वही आपको सोशली अप्रूव मीन्स भी बता रही है, लेकिन फिर आपको मीन्स दे नहीं रही. देर इज लैक ऑफ मीन्स. मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि एक तरफ जाना है, एक आपको डेस्टिनी बताई जा रही है और उस डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं और फिर आप पे स्ट्रेन आ रहा है और वो स्ट्रेन जो है बेसिकली उसकी वजह से आप डीवियंट बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो आई होप यहाँ पे आपको स्ट्रेन थ्योरी का मेन स्टेटमेंट और जो मेन एसेंस है वो समझ आ गया होगा. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एक इंसान जब किसी भी चीज़ को अपने गोल को नीड्स को सोशली अप्रूव तरीके से सही मीन्स के थ्रू नहीं अचीव कर पा रहा होता, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस पर प्रेशर आ जाता है, एक स्ट्रेन आ जाता है और इसकी वजह से वो डीवियंस बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है या क्राइम कमिट करता है. अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेन का मतलब है कि आपकी हायरार्की आपको बता रही है या आपका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी नीड्स हैं, उसकी वजह से आप पे प्रेशर आ रहा है. अगर आपको याद हो तो जब मैंने सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जब वीडियो बनाई थी और डिफरेंट उसमें डायमेंशंस बताई थी हायरार्की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाली जो वीडियो है उसमें ये बताया था कि एक हायरार्की है, एक रैंकिंग ऑर्डर है, स्पेशली मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर एक हायरार्की है, क्लासेस की डिवीजन है. तो हर कोई ये चाहता है कि मैं अपर हायरार्की के अंदर अपर रैंक में आऊं क्योंकि मैं हर चीज़ को इंजॉय कर सकूं, मैं लाइफ को मैं रिवॉर्ड्स को इंजॉय कर सकूं, क्योंकि इंडिविजुअल जानता है कि अगर मैं उस हायरार्की के अंदर अपर रैंक में आऊंगा, अपर लेवल पे आऊंगा भी, अगर अपर क्लास होगी तो ही मैं सारी लग्जरीज को या सारी जो रिवॉर्ड्स हैं सोसाइटी के नीड्स हैं उन सबको इंजॉय कर सकता हूँ. सो फिर यही वो स्ट्रक्चर है जो कि एक इंसान को मजबूर करता है, उसे बताता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए तो ही आप सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं. सो इसकी वजह से उस इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है. दूसरा स्ट्रेन है इंडिविजुअल स्ट्रेन. इसमें आप साइकोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल है जो कि उसने पर्सनली कोई ऐसे पेन्स या कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से अब वो चाहता है कि मैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकूं, और इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से फिर जैसे अगर आपने सोशल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर मोटिवेशन वाला देखा हो तो उसमें मोटिवेशन एक इंट्रेंसिक थी और एक एक्सट्रेंसिक थी. तो इंट्रेंसिक जो आपके अंदर की जो मोटिवेशन होती है या जो अंदर का स्ट्रेन होता है, जो प्रेशर होता है, वो भी आपको मजबूर करता है. जब आप इंटरनली चाह रहे होते हैं कोई चीज़ तो आप फिर भी अगेन यू आर कंपेल्ड टू गो टुवर्ड्स डीवियंट बिहेवियर. इस थ्योरी में लास्ट पॉइंट है दैट मोड्स एंड मेथड्स टू कोप विद स्ट्रेन. फिर इंडिविजुअल्स किस तरह से स्ट्रेन को कोप करते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है कन्फॉर्मिटी. कन्फॉर्मिटी का मतलब है कि भाई आप चुपचाप सोसाइटी आपको जो गोल्स बता रही है आप उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो तरीके हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट हेल्प. आप सिंपली कन्फॉर्म कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं सोसाइटी के सामने. आप अपनी मर्जी नहीं चलाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर सोसाइटी है, अगर आप नहीं चाहते कि मुझे साइंस ऑप्ट करनी है, आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, पर अगर सोसाइटी आपसे कह रही है कि साइंस पढ़ने वालों की डिमांड ज़्यादा है, उनका स्टेटस भी ज़्यादा होता है, उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं, स्कोप ज़्यादा है, तो आप मजबूर होकर सीधे सीधे साइंस ऑप्ट करेंगे, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आपको एक जॉब मिल जाएगी और आप सिंपली अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे. तो आपका एक गोल था पैसा कमाना, आपको सोसाइटी ने बताया भाई साइंस ऑप्ट करो इसकी बहुत स्कोप है, तो आपने गोल भी वही चुना जो सोसाइटी ने बताया और आपने उसको अचीव करने का तरीका भी वही चुना जो आपको सोसाइटी ने बताया. एक और इसकी मिसाल है कि मैरिज एक बहुत बड़ी मिसाल है. स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी की रेफरेंस से बात करें तो यहाँ पर अगर स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, तो अगर लड़की फॉर एग्जांपल इफ शी इज़ 25 एंड शी इज़ अनमैरिड, तो वो रिश्तेदारों को लग रहा होता है या जो आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको वो लड़की उसके वाइट बाल नज़र आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो 25 की नहीं बल्कि वो 52 की है.
सोशल कंस्ट्रक्शन मीन्स आपकी सोसाइटी जो है उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बना दिए, दिस इज द एज ऑफ मैरिज, मीन्स इफ यू आर 27 यू शुड बी मैरिड, यू शुड बी हैविंग चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट एन ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ लाइफ, वेरी स्टेबल और आइडियल टाइप ऑफ लाइफ। सो ये भी एक मिसाल है कि भाई आप सोसाइटी के हिसाब से चलें, आप इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू डेवलप योर, यू वांट टू मेक योर करियर, बट स्टिल आप वही चीज़ चुनते हैं जो आपको सोसाइटी ने बताई है, आप कंफर्म कर देते हैं। दूसरी मिसाल है इनोवेशन, इसका मतलब है आप जो सोसाइटी ने गोल्स बताए हैं उनको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पर उन तक पहुँचने का जो तरीका है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर सोसाइटी ने कहा है आपके पास पैसा होना चाहिए तो ही आप लग्जरीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं, तो आपने पैसे वाली जो चीज़ है वो आपको समझ आ गई कि पैसा कमाना मेरा गोल है, पर पैसे तक पहुंचना कैसे वो आपने सोसाइटी वाला तरीका नहीं आजमाया। आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, ड्रग्स स्मगलिंग में आप किसी और नेगेटिव मीन में इन्वॉल्व हो गए, सो दैट ब्लैक इकोनॉमी ताकि आप पैसा कमा सकें, करप्शन करने लग गए ताकि आप पैसा कमा सकें, आपने गलत मीन्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए पर गोल आपने वही चुना जो सोसाइटी बता रही है। थर्ड है रिचुअलिज्म, यहाँ पे यू रिजेक्ट सोसाइटीज गोल बट यू कन्फॉर्म टू दी अप्रूव मीन्स, जो तरीक़ाकार है सोसाइटी ने जो बताया है आपने वो चुना है, यहाँ पे दिस इज़ अपोजिट टू इनोवेशन, मीन्स तरीका आपने ठीक चुना है जो सोसाइटी बता रही है बट आपका जो गोल है आपने उसको चेंज कर दिया। मैं तरीका तो इस्तेमाल करूँगा जो सोसाइटी बता रही है, मैं सोशली अप्रूव तरीके इस्तेमाल करूँगा पर जो मेरा गोल होगा वो डिफरेंट होगा। देन देर इज़ रिट्रोइज़म, इसका मतलब है कि आपने जो अप्रूव्ड गोल्स हैं और अप्रूव्ड मीन्स हैं दोनों को रिजेक्ट कर दिया, मींस आपने दोनों की नहीं सुननी है, आपने ना सही तरीका इस्तेमाल करना है और ना उन गोल्स के हिसाब से चलना है, मींस यू आर रिजेक्टिंग बोथ। एंड द फिफ्थ वन इज़ रिबेलियन, यहाँ पे आप ना सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, रिबेलियन और रिट्रिटरिज्म में यही डिफरेंस है कि ऊपर वाले के अंदर आप दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं पर यहाँ पे आप रिजेक्शन के साथ साथ चैलेंज भी कर रहे हैं, आप दोनों को चैलेंज कर रहे हैं, अप्रूव्ड गोल्स को भी और साथ ही साथ अप्रूव्ड मींस को भी। अच्छा मैंने इनके आपको एग्जांपल नहीं दी है, अगर आप रिचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि आप सोसाइटी के गोल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप पॉलिटिकल रिचुअलिज्म की मिसाल ले सकते हैं कि आपको पता है कि सिस्टम कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लीडर्स आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, मिसाल के तौर पे करप्शन है, सिस्टम स्पॉइल्ड है, बट स्टिल आप जाते हैं और वोट डाल के आ जाते हैं, मीन्स आप एक अप्रूव तरीका तो इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन आपको गोल्स के बारे में पता होता है कि गोल्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। जो फोर्थ वाला है इसकी अगर आप एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो ड्रग एडिक्ट है अब वो दोनों चीज़ों को रिजेक्ट करके बैठ गया है, जॉब छोड़ के बैठ गया है, ही एंड्स अप बीइंग होमलेस, तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ों को सोशली अप्रूव गोल्स को भी और मीन्स को भी रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स की एग्जांपल बहुत अच्छी है। और जो फिफ्थ एग्जांपल है इसमें आप मिसाल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक खास किस्म के लॉ को मानने से या उसको फॉलो करने से मना कर दे, और इसकी मिसाल देना जो है ना ये आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी में मौजूद सिस्टम के या फिर जो उनके गोल्स हैं या प्रूव मीन्स हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और चैलेंज करते हैं उनको, उनके अगेंस्ट कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप काउंटर कल्चर्स की भी मिसाल ले सकते हैं जस्ट फॉर रिलेटिंग दिस टॉपिक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका के अंदर बात करें वहाँ गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, तो वहाँ हुआ क्या, जो काउंटर कल्चर है उन्होंने मूवमेंट चलाई, भाई हमें हमारे राइट्स दो, वी वांट टू टेक पार्ट इन दी मैरिज इंस्टीट्यूशन एज वेल, वी वांट अ प्लेस ओवर देयर। तो जो काउंटर कल्चर यानी कि जो वहाँ के गेज एंड लेस्बियंस थे, ट्रांसजेंडर्स थे, अब उनकी मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया आई थिंक 2011 या 2005 के अंदर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट वो लीगलाइज कर दिया गया। इसी तरह से अगर आप विमेन की बात करें, फेमिनिस्ट ग्रुप्स की बात करें, वो सोसाइटी में मौजूद जो भी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है बट स्टिल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे फिफ्थ के अंदर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब किसी लॉ के अगेंस्ट हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेन थ्योरी, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द क्राइम एंड रीजन बिहाइंड क्राइम। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।